My dear learners, welcome to NIOS Senior Secondary Chemistry classes. Myself Neha Kishavani, SCO Chemistry. We haven't discussed about the froth flotation process. This is the third process for concentration of ore. Okay, so first process हमने पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था hydraulic washing, या जहां पर हम water को use करके उस gravity separation के through हम easily उसको separate कर रहे थे gang and pure metals को और को. देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पर मैग्नेटिक रोलर की हेल्प से जो इम्प्योरिटीज हैं और हैं उनको कलेक्ट कर रहे थे. देन वी हैवंट डिस्कस अबाउट द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जहां पर हमने एक प्रोसेस देखी जिसमें हम देख रहे थे कि यहां पर दो चीजें थी. हमारा ओर जो था कंसेंट्रेटेड ओर, इसको हमने इसमें यहां पर डाला. उसके बाद हमने इसमें क्या किया, पाइन ऑयल को यूज करते हुए एक पेडल रोटेटर पेडल की हेल्प से इसको रोटेट किया, इसमें फ्रोथ फॉर्म हुए. अब दीज फ्रोथ आर बेसिकली कैरीड आउट दी ओर. ओके, सो ये हमारे ओर जो है यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे और इस फ्रोथ को हम फर्दर कलेक्ट करके क्या करेंगे, ओर को हम इसमें से कंसेंट्रेटेड ओर को निकाल लेंगे. सो दिस इज दी प्रोसेस. लास्ट वन इज दी लीचिंग प्रोसेस. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस. मेनी टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन दिस टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, व्हाट इज द लीचिंग प्रोसेस, व्हाई वी यूज दिस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस. सो इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं. और एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है दैट विल बी आस्क्ड, आई थिंक उसका उसको वो जो क्वेश्चन है वो ये है कि why we use river battery furnace for both calcination and roasting. Calcination and roasting दोनों के लिए हम river battery जो furnace है वो use करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, so this is the question. I hope आपको answer पता होगा इसका. जिनको भी ये answer पता है वो comment करके ये question का answer दे सकते हैं. So what is the process? This method depend on the differences in some chemical property of the metal compound present in ore and gang. For example, if we talk about bauxite ore, so bauxite जो है वो basically aluminium metal का ore होता है, जिसका formula क्या है, Al2O3 dot x number of water molecule. ठीक है, कहीं कहीं पर यहां पर दिया भी हुआ है 2 water molecule. So bauxite ore is impure aluminium oxide containing 2 types of impurities, जिसमें है iron oxide and सिलिकन डाइऑक्साइड. इसके अलावा एक तीसरी भी इंप्योरिटी इसमें होती है जिसको हम टिटानियम ऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी एक इंप्योरिटी इसमें पाई जाती है. ठीक है, टिटानियम ऑक्साइड की कई बार पूछ लेता है आपके पेपर में. ओके, सो एक तो हमारी इंप्योरिटी हो गई Fe2O3 की, दूसरी हो गई SiO2, अब तीसरी हमने पढ़ी टिटानियम ऑक्साइड की. सो ये हमारे गैंग कहलाएंगे बिकॉज दीज आर इंप्योरिटीज. So the bauxite ore is treated with hot sodium hydroxide solution. तो bauxite ore है हमारा Al2O3, जिसको हम sodium hydroxide के साथ react करते हैं, will get sodium aluminate. This is the formula of sodium aluminate. ठीक है, and water. ठीक है, then the iron oxide and sand present in bauxite ore do not dissolve in sodium hydroxide solution. So they are separated by filtration. तो जो impurities होती है वो sodium hydroxide में dissolve नहीं होती है, rather all ores are जो metal form में है वो हमारा क्या होता है, sodium hydroxide के साथ react करके क्या बनाता है, sodium aluminate बनाता है. Okay, so इस तरीके से हम sodium aluminate को अलग कर लेंगे और ये sodium aluminate है तो यहां से हम oxide form में इसको convert करेंगे, then हम इजिली ऑक्साइड से उसका रिडक्शन करके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द होल प्रोसेस. सो लेट जस्ट डिस्कस अबाउट द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस. तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेट जस्ट डिस्कस अबाउट द स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, जिसमें हम क्या करेंगे, बॉक्साइड ओर को लेंगे. बॉक्साइड ओर का फॉर्मूला अभी हमने देखा, Al2O3 डॉट 2H2O. ठीक है, तो यहां पर इसको हम हीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर जो हम प्रेशर लेते हैं दैट इज दी अबाउट 35 टू 36 बार, इतना हम प्रेशर लेंगे. देन इट विल गेट सोडियम एल्यूमिनेट AlOH का होल
फोर एंड यहां पर हमें जो इंप्योरिटीज मिलेंगी दे आर बेसिकली नॉट डिजोल्विंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब फर्दर क्या होगा, इसका रिएक्शन हम कराएंगे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, देन विल गेट व्हाट, विल गेट एल्यूमिना Al2O3. ठीक है, फर्दर इसका हम रिडक्शन करेंगे, देन विल गेट प्योर मेटल. ओके, दिस विल गेट प्योर मेटल. सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज स्टेप वन. ओके, ये स्टेप वन है, दिस इज द स्टेप टू. ओके, ये स्टेप टू है और दिस इज द स्टेप थ्री. ठीक है, तो स्टेप वन में हमने क्या किया, स्टेप वन में हमने सिंपली इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया. ठीक है, देन विल गेट सोडियम सॉल्ट. ओके, सोडियम सॉल्ट का रिएक्शन हमने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कराया, विल गेट एल्यूमिना. और फर्दर थर्ड स्टेप में इसका हमने क्या कराया, रिडक्शन. रिडक्शन से हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम. सो दिस इज द होल प्रोसेस. ठीक है, इसका कई बार आप में रिएक्शन भी पूछ लेता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्या, लीचिंग प्रोसेस ऑफ एल्यूमिना. ठीक है, तो इसके सारे रिएक्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए. सिंपल है, एल्यूमिना पहले हमने लिया बॉक्साइड. ठीक है, बॉक्साइड का रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया. सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें सोडियम के साल्ट मिले. ठीक है, उसके बाद हमें कुछ इंप्योरिटीज मिलेंगी विच आर नॉट सोलबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, वी कैन इजिली सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. देन हमें जो सोडियम के जो सॉल्ट मिले हैं, देन विल रिएक्ट विद दिस विद एक्सेस ऑफ CO2, देन विल गेट एल्यूमिना Al2O3. देन उसका रिडक्शन कराया, रिडक्शन कराने में होगा क्या, एल्यूमिनियम में जो ऑक्सीजन है इट विल रिमूव इजिली. ठीक है, तो ऑक्साइड निकल जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, प्योर एल्यूमिनियम मेटल. सो दिस इज द होल प्रोसेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसेंट्रेटेड ओर. अभी तक हमने कौन कौन सी प्रोसेस की है, नंबर वन प्रोसेस, पहले हमने माइनिंग के बाद उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद हमने क्या किया, उसकी इंप्योरिटीज को दूर किया. कैसे दूर किया, विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रेशन. तो कंसेंट्रेशन की चार प्रोसेसेस थी, कौन कौन सी प्रोसेस थी, नंबर वन इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग, नंबर टू इज द मैग्नेटिक सेपरेशन, नंबर थ्री इज फ्रोथ फ्लोटेशन एंड नंबर फोर इज द व्हाट, लीचिंग प्रोसेस. तो लीचिंग, इन सारी प्रोसेसेस के बाद जो हमें मेटल मिलेगा दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टेड ओर और कंसेंट्रेटेड ओर. ठीक है, तो अब इस कंसेंट्रेटेड ओर को हमें करना क्या है, इसका कैसे करेंगे, द ओर, द कंसेंट्रेटेड ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म विच सुटेबल फॉर रिडक्शन. तो इसका हमें क्या करना है, कंसेंट्रेटेड ओर इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड के फॉर्म में, जिससे हम इजिली उसका रिडक्शन करा सके. ठीक है, यूजुअली सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन. ऑक्साइड आर इजियर टू रिड्यूस, दस आइसोलेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम कंसेंट्रेटेड ओर आर इन्वॉल्व टू मेजर प्रोसेसेस. कौन कौन सी प्रोसेस है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड मेटल. तो हमें एक्सट्रैक्टेड मेटल यानी कि जो कंसेंट्रेटेड जो ओर मिला है, उस कंसेंट्रेटेड ओर को हमने ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करना है. ठीक है, और ऑक्साइड ओर का इजिली रिडक्शन हो जाता है, इट विल बी इजिली इजी प्रोसेस. सो दैट इज व्हाई वी कन्वर्ट दिस ओर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस ओर इनटू ऑक्साइड अ कंपाउंड. ठीक है, देन उसका रिडक्शन करा के हम जो हमारा प्योर मेटल है वो इजिली मिल सकता है हमें. सो दिस इज द होल प्रोसेस. सो ओर की कंसेंट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑन ऑक्साइड. कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है, हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, लेट जस्ट डिस्कस अबाउट. बिफोर रिडक्शन कैन बी डन, द ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड विच कैन देन बी रिड्यूस. तो पहले हमने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिडक्शन करेंगे. सो द कंसेंट्रेटेड ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स. कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, दीज आर टू प्रोसेसेस जिससे हम इजिली जो हमारा ओर है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो दो प्रोसेसेस हैं, कहां पर हम कैल्सिनेशन यूज करेंगे, कहां पर हम रोस्टिंग यूज करेंगे. इफ ओर इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट के साल्ट के फॉर्म में, ऑन दैट केस विल यूज लीचिंग, सॉरी कैल्सिनेशन प्रोसेस. ठीक है,
और अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो हम रोस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर कार्बोनेट यानी CO3 2- के फॉर्म में है तो हम कैल्सिनेशन करेंगे, और सल्फाइड के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, उसकी रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट प्रोसेसेस। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कैल्सिनेशन प्रोसेस। सो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच एन ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लेस अमाउंट ऑफ एयर एयर, ओके। सो यहां पर कैल्सिनेशन प्रोसेस में हमें करना क्या है कि ओर को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर और वेरी लेस अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। सो इसमें होगा क्या, टू कन्वर्टेड कार्बोनेट ओर इंटू मेटल ऑक्साइड, टू एक्सपेल वॉटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ओर और टू एक्सपेल वायलेट इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर, ठीक है। तो तीन चीजें से हो रही हैं। पहला, हमारा जो कार्बोनेटेड ओर है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। दूसरा, अगर किसी तरह का कोई वाटर इंप्योरिटी है तो वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई वोलेटाइल इंप्योरिटी है तो वोलेटाइल इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है कि दोस इंप्योरिटीज विच कैन बी रिमूव बाय हीटिंग, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो इंप्योरिटीज क्या हो रही है, दूर हो जाएंगी। तो यहां पर तीन चीजें हमारी हो रही हैं, वोलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव हो रही हैं, वाटर जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है वो अलग हो रहा है, तीसरा क्या है, जो कार्बोनेट ओर है वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल ऑक्साइड में। सो दिस इज द प्रोसेस। इसमें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट दिस इज द ओर ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन का ओर है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, व्हाट वी गेट आयरन ऑक्साइड। ये क्या है, दिस इज द आयरन ऑक्साइड। अब इस आयरन ऑक्साइड का इजिली हम रिडक्शन कर देंगे, देन वी गेट प्योर आयरन मेटल, ठीक है। होगा कैसे प्रोसेस, होगा कैसे, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिवर्बेटरी फर्नेस, ठीक है, रिवर्बेटरी फर्नेस का स्ट्रक्चर है। यहां पर आप देख रहे हो बहुत सारे कोक रखे होंगे, ठीक है। यहां पर एक डोर होता है जिसको हम क्लोज कर देते हैं ताकि यहां से जो फर्दर एयर है वो सप्लाई ना हो सके, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारे ओर होते हैं, ठीक है, ओर कलेक्टेड होते हैं। जब यहां से इसको हम हीट करते हैं तो इट विल रिएक्ट विथ CO2, ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट होगा और यहां पर हमें ओर किसपे फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो दिस इज द कैल्सिनेशन प्रोसेस, सेम रोस्टिंग प्रोसेस भी होती है बट वहां पर क्या होता है, यहां जो जिस इस जो इसको हमने बंद किया हुआ है यहां से एयर हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे, यानी इस डोर को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर कैल्सिनेशन। नेक्स्ट इज द रोस्टिंग प्रोसेस। सो रोस्टिंग इज जस्ट अ काइंड ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस, बस कैल्सिनेशन से इसलिए डिफरेंट है, व्हाई इट इज डिफरेंट, बिकॉज इन कैल्सिनेशन प्रोसेस वी डोंट यूज एयर, ठीक है। तो जो रिएक्शन होता है, होल द प्रोसेस इज बेसिकली होती है किसकी, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर की एब्सेंस में, जबकि रोस्टिंग प्रोसेस में हम एक्सेस ऑफ एयर के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। लेट जस्ट डिस्कस, रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच एन ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्टेड द सल्फाइड ओर इंटू मेटल ऑक्साइड एंड टू रिमूव वोलाटाइल इंप्योरिटीज। सो दिस इज द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट जिंक सल्फाइड, then zinc sulfide is reacted with excess of oxygen, it will convert it into zinc oxide, or further hum iska agar reduction kar dein to this will convert it into pure zinc metal, okay। so ye hamari puri process hai। for example you can see on your screen, this is the picture, again reverberatory furnace, then what will happen, kya hoga yahan par, hum ये प्री हीटिंग जोन है, दिस इज द हीटिंग जोन है, दिस इज द रिडक्शन जोन, यहां पर गैसियर मिक्सचर, ठीक है, दिस इज द कंबशन चैम्बर, यहां पर वाटर सील्ड पूल दो लगे होंगे, ठीक है, दिस इज द रिड्यूसिंग गैस जो कि इन की जा रही है इसके अंदर, एंड दिस इज द फनल जहां से हम ओर की फीडिंग करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ओर की फीडिंग करेंगे, इसको हीट करेंगे, देन एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में यहां से हम गैस को कंटिन्यूअसली दे रहे हैं. एक्सेस ऑफ गैस की प्रेजेंस में इट विल रिएक्टेड एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड ऑफ ओर. ओके, थैंक यू लर्नर्स. आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ चैट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क विद चैट सेक्शन. ओके, व्यूएस की हेल्प से आप इजिली चैट के थ्रू आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन. और अगर आप व्यूएस में नहीं भी हो, ऑन दैट केस आप जाकर के यूट्यूब सेक्शन में जाकर के आप वहां पर कमेंट कर सकते हो, मैं बाद में भी आंसर दे सकती हूँ इफ यू हैव एनी क्वेरी. ओके, नेक्स्ट लेट जस्ट डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड. सी, अभी हमने क्या प्रोसेस की, पहला हमने ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग करने के बाद हमने कंसंट्रेशन किया. कंसंट्रेशन करने के बाद हमने क्या किया कि जो हमारे दो तरह के ओर हमें मिले लेस मॉडरेटली रिएक्टिव में, पहले हमारे कार्बोनेट वाले थे और दूसरे हमारे सल्फाइड वाले थे. कार्बोनेट वाले के लिए हमने कैल्सिनेशन किया और सल्फाइड ओर के लिए हमने क्या किया, कौन सी प्रोसेस की, रोस्टिंग की. ठीक है, अब दोनों से हमें ऑक्साइड ओर मिले. अब इन ऑक्साइड ओर को हमें क्या करना है, इनसे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. अब कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन. ठीक है, यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. डोंट बी कंफ्यूज इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑन एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो यहां पर हम रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे. रिडक्शन क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का रिमूवल करना है. ऑक्साइड जो हमने फॉर्म किए हैं जिससे जो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के थ्रू, उसको हमें क्या करना है, यहां पर रिमूव करना है. तो दो प्रोसेस होती है. द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर यूज्ड फॉर रिडक्शन. कौन कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन, केमिकल रिडक्शन एंड लास्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. तो तीन रिडक्शन प्रोसेस है. नंबर वन इज रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन, थ्रू सिंपली हम उसको हीट करेंगे, हीट के थ्रू हम रिडक्शन उनका करा सकते हैं. दूसरा क्या है, केमिकल रिडक्शन, जहां पर हम कोई एक रिएजेंट लेंगे जिसकी हेल्प से उसका रिडक्शन कराएंगे. और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो कि आपके पिक्चर में यहां पर दिख रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में अगेन हम इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जिससे उसका रिडक्शन पॉसिबल हो सके. सो दीज आर थ्री प्रोसेसेस, लेट जस्ट डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज दी रिडक्शन बाय हीटिंग. तो रिडक्शन बाय हीटिंग में हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारा ओर है जो कि ऑक्साइड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में है, उसको हम सिंपली हीट करेंगे. अब केमिकल रिएक्शन में जब भी किसी चीज को हम हीट करते हैं तो एरो के ऊपर हम क्या लगाते हैं, डेल्टा, कैपिटल डेल्टा. दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग. ठीक है, हीट किया, हमें यहां पर प्योर मेटल मिल गया. ठीक है, केमिकल रिडक्शन में हमने किसी केमिकल के थ्रू रिडक्शन कराया और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम सिंपली इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से उसका रिडक्शन कराएंगे. सो दीज आर थ्री प्रोसेसेस. आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क टू मी विद द हेल्प ऑफ चैट. ठीक है, आप चैट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. सो लेट जस्ट डिस्कस अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ मेटल. दिस इज द लास्ट प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. जब भी हमने क्या किया, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे उनका एक्सट्रैक्शन किया. ठीक है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव थे उनसे हमने एक्सट्रैक्ट किया ऑक्साइड ओर के, और लिस्ट रिएक्टिव जो थे उनके भी ऑक्साइड ओर या फिर जिस भी फॉर्म में वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, लास्टली हम उनकी रिफाइनिंग करेंगे. सो रिफाइनिंग इज द लास्ट प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग इम्प्योरी मेटल बाय मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल. तो इसमें होगा क्या, कैसे करेंगे हम इनकी रिफाइनिंग, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी. सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द इम्प्योरिटी.
सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. कौन कौन सी प्रोसेस है? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड लास्ट वन इज द क्रोमैटोग्राफिक प्रोसेस. सो क्रोमैटोग्राफिक प्रोसेस इज द वेरी वेरी यूनिक प्रोसेस एंड हम ये कह सकते हैं कि क्रोमैटोग्राफिक प्रोसेस को हम कई जगह पर यूज भी करते हैं. ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी आप में एक प्रैक्टिकल भी है क्रोमैटोग्राफी, जहां पर आप अलग अलग तरीके की क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स को पढ़ेंगे. दैट इज द पेपर क्रोमैटोग्राफी, TLC, दैट इज कॉल्ड थिन लेयर्ड क्रोमैटोग्राफी. देन अदर टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी आर ऑल्सो देयर. तो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक को भी हम यहां पर यूज में लाएंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लेट अस डिस्कस फर्स्ट वन, डिस्टिलेशन प्रोसेस. सो व्हाट विल हैपन इस केस में हम क्या करेंगे? दिस मेथड इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वोलाटाइल मेटल लाइक जिंक, कैडमियम एंड मर्करी विच फॉर्म वेपर इजिली. तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी जो कि इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इजिली क्या होगा, इनके जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज दे आर वोलाटाइल इन नेचर. वोलाटाइल का मतलब क्या? वो इंप्योरिटीज जिनको हीट करके इजिली अलग किया जा सके, तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के यहां से अलग हो जाएंगी. उस कंडीशन में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर को डिस्टिल करना, जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं. तो वाटर में बहुत सारी, टैप वाटर की बात करें या अलग अलग वाटर्स की बात करें, तो पॉन्ड वाटर की बात करें, दे हैव मेनी काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज जो कि वोलाटाइल होती हैं. तो उनके लिए हम करते क्या है कि पहले हम वाटर को कलेक्ट करते हैं. वाटर को कलेक्ट करने के बाद उसको हम कंटिन्यूअसली हीट करते हैं, और हीट करने के थ्रू एक हमारी प्रोसेस पाइप होती है जिसमें क्या होते हैं, रोटेटर्स लगे होते हैं. ठीक है, अब उससे हम उसको पास कराते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रेशर के थ्रू लिक्विफाइड होता है, जिससे हमें प्योर मेटल मिलता है और इंप्योरिटीज जो होती है वो वहीं पर कलेक्ट हो जाती हैं, बिकॉज उनका लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन अ वेसल एंड इट्स वेपर आर कंडेंस्ड सेपरेटेड इन अ रिसीवर टू गेट प्योर मेटल. तो सेपरेट कर ली जाती है जो भी प्योर मेटल होगा. उसके बाद लास्टली क्या है, द नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड. तो वो जो हमारा जो फनल होती है उसमें क्या होता है, जो इंप्योरिटीज होती हैं जो कि वोलाटाइल फॉर्म में नहीं है, वो वहीं पर जाकर के कलेक्ट हो जाएंगी. तो दिस इज द प्रोसेस जिससे हमें प्योर मेटल मिलता है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन प्रोसेस. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द इजिली फ्यूज्ड मेटल्स लाइक टिन, लेड एंड बिस्मथ आर रिफाइंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड लिक्विशन. ठीक है, लिक्विफिकेशन में क्या होगा, लिक्विशन प्रोसेस इज यूज्ड वेयर द मेटल टू बी रिफाइंड इज इजिली फ्यूजिबल, द इंप्योरिटी डू नॉट फ्यूज इजिली. The liquation process is refining of metal. The block of impure metal is placed on a top of side of the sloping earth and for a furnace and heated gradually. उसके बाद हम क्या करेंगे? Under these conditions, the pure metals flows down to the container. The fusible impurities are left behind on the earth. ठीक है? So this is the overall process. एक बार हम देखेंगे ये process को कि कैसे ये पूरी process होती है. Let's just see. So impure metal को एक sloping hearth पर भेजा जाएगा. उसके बाद होगा क्या, this will convert it into a block form. This is called the metal melt inside the inert atmosphere on the sloping. ठीक है, this will slope down and collected. Okay. So ये क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, इंफ्यूजिबल इंप्योरिटीज होंगी वो लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि हर्ट पर, स्लोपिंग हर्ट पर ही रह जाएंगी, और इस तरीके से हमें ये प्योर मेटल जो है वो हमारा मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसको कलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उससे हम कॉपर को कलेक्ट करेंगे. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस, जहां पर हम एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, कैथोड एंड एनोड दो इलेक्ट्रोड हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पास होगा. देन कॉपर के जो आयन है, इट विल बी फ्यूज्ड एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू कॉपर. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस.
देन जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इज देयर, जहां पर ये पूरी प्रोसेस है मूविंग हीटर्स की हेल्प से हम इसको कलेक्ट करेंगे। यहां पर नोबल गैस एटमॉस्फियर हम लेते हैं, और फिर हमारी वेपर फेज की रिफाइनिंग है जिसको हम वेपर फेज में रिफाइनिंग करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस में हमने दो प्रोसेस को डिटेक्ट किया, दो प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट वन इज द क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक। आई होप बाकी की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक है विल डिस्कस ऑन लेटर इन माई नेक्स्ट सेक्शन। So till then, thank you so much.